हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयेंद्र सिंह। देखिए, अभी मेरी जस्ट पूजा पूरी हुई है। ये पांच के पांच ताले, पांच नहीं छह ताले हैं। आप देख रहे होंगे दो तालों में चाबी लगी है, चार तालों में चाबी नहीं लगी है। तो मतलब समझ जाइए कि दो ताले अच्छे कामों के लिए, चार तालों में कम से कम 250 लोगों का नाम डाला है मैंने आज। और ये नमक, इस नमक पे मैंने काम किया है आज, क्योंकि पाँचवा दिन है, छिन्न मस्तिका का दिन है। इस नमक पे काम किया है और सारी शक्तियों का अपने इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी मुठ मारी है, जिससे ये होगा कि जिसने भी मेरे काम धंधे पे बंदिश मारने की कोशिश की है, मेरे घर में घर तक और मेरे परिवार तक आने की कोशिश की है, जिसने मेरी 100 बेटियों की शादी में अड़चन लाने की कोशिश की है, जिसने बहुत घमंड में एटीट्यूड में बात किया है, आज से चार दिन बाद आने वाले रामनवमी तक उनकी या तो मौत हो चुकी होगी, या तो उनके साथ बहुत बड़ा हादसा होगा, या उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो असोचनीय होता है। और जितने लोगों ने भी शादी में अड़चन डालने की कोशिश की है, अपने आप को महान बनाने की कोशिश की है, उनके घर में अगर बेटियां होंगी तो आजीवन वो बेटियों की शादी नहीं होगी। अगर गलती से शादी हो गई तो साल भर के अंदर वो बेटियां विधवा हो जाएंगी। दूसरी बात देखिए, मैं सबके लिए ये लागू होता है, चाहे मैं रहूँ, चाहे मेरे साथ जो मेरे सब्सक्राइबर रहे, चाहे मेरा परिवार रहे। अगर मैं जितनी आप लोगों के साथ ईमानदार हूँ, आप लोग को भी मेरे साथ उतनी ही ईमानदारी रखनी पड़ेगी। हमारे पूजा पाठ में एक नियम होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जगना है। अगर हम अपने परिवार के सिवा दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते तो ये मेरी शक्तियाँ ऐसी हैं कि किसी को भी किसी हाल में नहीं छोड़ेगी। अगर कोई मेरे साथ काम धंधा कर रहा है, मेरे साथ यात्रा पे आ रहा है, वो करो, अगर उसने मुझे गलत नज़र से या गंदी सोच से देखा तो उसके साथ भी शक्तियाँ वही हाल करेंगी जो असोचनीय होगा। ये नियम सबके लिए लागू होता है, क्योंकि हम तांत्रिकों के लिए नियम है। ये जो आज की तारीख में लोग तांत्रिक लोग लोगों को भोग विलास करते हैं, ये सब गलत बात है, ये होता ही नहीं है। तांत्रिक पूजा में सबसे पहले तो ब्रह्मचार्य का व्रत होता है, और ये जैसे अगर मैं तांत्रिक होता तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े उनके लिए सबके लिए लागू होता है। ये बातें बहुत कम लोगों को पता है कि अगर हम आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं तो आप लोग को भी हमारे साथ रहना चाहिए। खास करके जो मेरे साथ काम धंधा करते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि वो लोग ये जो हरकत करते हैं, वो लोग अपनी जो मर्यादा भूलते हैं, उस मर्यादा का उनका भुगतान क्या मिलेगा वो नहीं जानते। क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखाऊँगी। अगर कोई मुझे पूछेगा कि क्या मेरी मौत कब होने वाली, वो भी बता दो, तो मैं बता के बोल के नहीं दिखाऊँगी, करके दिखाऊँगी। तो वेट करो, रामनवमी के अंदर तक नवरात्रि पूरे होते, अब ये बदला मैं नहीं लूँगी, ये बदला माँ कामाख्या लेंगी। माँ कामाख्या में बैठी 10 महाविद्याएँ लेंगी, मेरी माँ विंध्यवासिनी लेंगी, और मेरे कहते हैं ना बाकी सब सारी शक्तियाँ लेंगी। तो बस वेट करो, क्योंकि मुसीबत तुमने अपने घर खुद बुलाई है, मैंने नहीं। अब ये नमक जाएगा फ्लश में, मतलब जहाँ बाथरूम में इसको फ्लश किया जाएगा, और जितने नामों के साथ काम हुआ फ्लश होने के बाद देखेंगे सबके साथ क्या होता है। तुम लोग जो ये काम करते हो ना, करते समय बिल्कुल भी नहीं सोचते हो कि हम किससे पंगा ले रहे हो, हमारा सामने वाला क्या बिगाड़ेगा। तो सबके अंदर एक घमंड होता है, वो घमंड तोड़ना है, ये बात है। तुम्हारे अंदर क्या है कि तुम लोग क्या करते हो, एक दूसरे में झगड़ा लगाना, सबके सामने बहुत अच्छे बनना, दो मुँहें साफ बनना, मेरे सामने भी अच्छे बनना, बाहर भी अच्छे बनना, और दिखाना कि हम तो सबसे बेस्ट हैं। तो एक बात बता दूँ, तुम लोग सब नमक हराम हो, क्योंकि तुम लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जो इंसान तुमको खिलाता है पिलाता है, तुम्हारे नखरे उठाते हैं, तुम लोग को सर आँखों पर रखते हैं, तुम लोग जब उसके नहीं हुए तो तुम क्या किसके क्या होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, नौकर और मालिक का रिश्ता एक बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुम लोगों ने वो मर्यादा तोड़ी है। और वो मर्यादा तोड़ने के ऊपर से वही नहीं, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी अगर मेरा कोई नाम ख़राब करने को देखेगा, यूट्यूब पे मेरा नाम ख़राब करेगा, सबकी मैंने बैंड बजाई है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, मेरी शक्तियाँ ना जिनके नाम पे मैं मारण क्रिया करती हूँ ना, उनको नहीं मारती हैं, उनके खुद किसी खास को मारती हैं, उनके घर में किसी खास को लेके जाती हैं, तब उन्हें दर्द पता चलेगा ना। क्योंकि उनका कहना है कि जिसको मारण क्रिया किया अगर वही मर जाएगा तो उसे वो चीज़ दिखेंगी कैसे। आपकी आँखों के सामने जब आपका कोई घर का जवान इंसान मरेगा, तब आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि मैंने सामने वाले को कितनी तकलीफ़ दी है। तो बस वेट करो, देखो क्या होता है, ठीक है।